Today we'll turn this into something that looks like this. Welcome to our channel, Deep Life Family. Roll the intro, please. फेरीज को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा एक जार, फिर आपको लगेंगे थोड़े लाइट्स. दीज लाइट्स आर वेरी कॉमन, यू कैन गेट देम एनीवेयर. यू कैन लिटरली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड गेट देम डिलीवर्ड टू योर होम. अ मार्कर एंड सम पेपर. मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्टिस्ट जैसो, पर आप कोई भी ब्रांड का वाइट एक्रेलिक पेंट यूज़ कर सकते हो. फूलों पत्तों वाला डेकोरेशन एंड सम स्टिकर्स विच आर ऑप्शनल. ये तार ऑप्शनल है पर आपको थ्रेड ज़रूर लगेगा. एंड फाइनली कुछ चिपकाने के लिए. तो मैंने सोचा था जार्स को टिश्यू पेपर से कोट करूं, बट एक्चुअली डिड नॉट वर्क दैट वेल. रादर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्पंज यूज़ करो, और यू कैन ऑल्सो यूज़ अ रैग. आपको जार अंदर से पूरी तरीके से कोट करना है अच्छे से. इतना ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइट से थोड़ा चिप होने ही वाला है. अगर आप इसे बाहर की साइड करते हो तो ये आसानी से चिप हो जाएगा. एंड ऑल्सो यू वॉन्ट गेट दैट ब्यूटिफुल ग्लॉसी फिनिश. एंड आई सजेस्ट यू नॉट टू सैंड द ग्लास. ग्लास को कभी सैंड नहीं करना चाहिए. ओके गाइज, नाउ लेट्स ड्रॉ द फेरी. आप इसकी डायरेक्टली प्रिंट आउट ले सकते हो. मैं आपको एडवाइस करूँगा ड्रॉ मत करना, बट आई एम जस्ट फ्लेक्सिंग बिकॉज आई कैन ड्रॉ वेल. और बाद में आपको इसको अच्छे से कट कर लेना है. आई एम यूजिंग माई एग्जैक्टो नाइफ फॉर दैट. ये चीज़ सीजर से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था. जार का लिड मैं फोम शीट पे ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जार के अंदर जाएगा. यू कैन यूज़ अ पेपर एज वेल फॉर दिस, जिसको आप ग्रीन कलर कर सकते हो. फेरी को चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ. मैंने ग्लूगन ट्राई की, पर ग्लूगन से फेरी चिपकी नहीं. फिर थोड़े पेड़ पौधे डाल दिए. ये सारे प्लास्टिक के बने हैं, अगर आपने रियल पेड़ पौधे यूज़ किए तो वो सड़ सकते हैं. और अभी अंदर जाएंगे हमारे लाइट्स. ये एकदम जुगनुओं की तरह चमकते हैं रात को. एंड दिस इज़ हाउ आवर जार इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ. We are not going to decorate it too much. Be very careful while using a glue gun. If you want to buy a glue gun, it's linked in the description box below. I always burn myself when I'm using a glue gun, so you guys need to be very careful, yeah. Rose को हल्के से इसके ऊपर लगा दिया है, and इससे इसके look में चार चांद लग गए. Now I'm using some thread to make some extra decoration. अगर आपने thread थोड़ा लंबा रखा तो आप इस jar को लटका भी सकते हो. In case if you want to hang it in your balcony, it'll look really cool. Now I am making the next jar. Next jar में मैं एक butterfly trap करने वाला हूँ. नकली trap करूँगा, नहीं तो पीटा वाले गुस्सा हो जाएंगे. एंड इस बार मैंने बटरफ्लाई के लिए पेपर हल्का वाला यूज़ किया, क्योंकि फेरी मैंने कड़क पेपर से बनाई थी और उसको चिपकाने में मुश्किल हुई. यूजिंग अ वाइट रोज दिस टाइम. पर्पल गोल्ड एंड वाइट मेक्स अ रियली ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन. इट ऑल्सो लुक्स वेरी प्रीमियम. नाउ एडिंग द लाइट्स एंड दिस इज हाउ अ बटरफ्लाई इज लुकिंग लाइक. जार के बाहर की तरफ से कोई भी पेंट नहीं है, इसलिए हाथों में कांच की फीलिंग बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आती है. सो आपको कौन सा जार पसंद आया, रेड वाला या वाइट वाला, ज़रूर कमेंट करके बताना. एक शैतान जादूगर को फेरी पसंद थी, पर फेरी को तो बटरफ्लाई पसंद था, जो कि एक राजकुमार था. तो उस शैतान जादूगर ने दोनों को ट्रैप कर दिया. अगर आपको इनको फ्री करना है तो यू नीड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल. एंड ऑल्सो यू नीड टू शेयर आवर वीडियो विद समवन दैट यू लव. ये करने से फेरी का श्राप चला जाएगा एंड शी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर.